नमस्कार, जय श्री राम। हर हर महादेव, वंदे मातरम, जय भवानी, जय बजरंगबली। भाइयों, महाराष्ट्र में इस समय जिस तरह से राज ठाकरे हिंदुत्व के लिए बातें कर रहे हैं, अगर इन्होंने राज ठाकरे जी हिंदुत्व की बातें करते रहेंगे तो ये पक्का है कि आने वाले समय में महाराष्ट्र में राज ठाकरे की सरकार बनेगी। राज ठाकरे की सरकार में, क्योंकि हिंदुत्व के नाम पे बालाजी साहब, बाल ठाकरे साहब जी हिंदुत्व के लिए हमेशा खड़े रहते थे। आज महाराष्ट्र में अगर हिंदुत्व की कोई बात करने वाला है तो राज ठाकरे जी बढ़ चढ़ के आगे आए हैं। सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने 3 मई का आह्वान किया है सभी हिंदुओं से कि 3 मई के लिए सभी लोग तैयार रहें, बहुत बड़ी जनसभा होने वाली है। और राज ठाकरे का स्वागत करते हैं हिंदू वाले, हिंदू महासभा वाले सभी लोग बढ़ चढ़ के राज ठाकरे जी का स्वागत करें और राज ठाकरे जी के नेतृत्व में हिंदुत्व को बढ़ाने की कोशिश किया जाए महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र की जो सरकार है हिंदुत्व का तो मतलब ही भूल गया, हिंदुओं के लिए तो मानो उनको सांप सूंघ गया है। लेकिन राज ठाकरे जी बढ़ चढ़ के आगे आए हैं, राज ठाकरे जी का सभी लोग सम्मान के, राज ठाकरे जी गलत नहीं है जहाँ तक वो बोलते हैं, चाहे यूपी के लिए बोले, चाहे बिहार के लिए बोले, चाहे झारखंड के लिए, वो किसी के लिए गलत नहीं बोलते। उनका यही कहना है कि आप जो हमसे बोलते हो कि राज ठाकरे गलत है तो आप अपने प्रदेश सरकार से सवाल करो, प्रदेश सरकार से भी बोलो कि हमारे प्रदेश में आप इतने दिनों से, इतने सालों से आपकी सरकारें हैं, हमारे लिए क्या कर रहे हैं। अगर वहीं पे नौकरी चाकरी, वहीं व्यवस्थाएं दिए जाए तो हम दर बदर दूसरे शहर से दूसरे शहर क्यों भटके। राज ठाकरे जी का मानना सही है। और सबसे बड़ी बात है कि इस समय राज ठाकरे जी हिंदुत्व के लिए आगे आए हैं। हिंदुओं का भी फर्ज बनता है, दायित्व बनता है कि राज ठाकरे जी का सपोर्ट करें और उनको यहीं तक नहीं, मुख्यमंत्री तक की दावेदारी की बात किया जाए। अगर महाराष्ट्र में राज ठाकरे जी की सरकार बनती है तो आने वाले समय में बहुत ही अच्छा होगा। इसीलिए सभी हिंदू भाई से यही निवेदन है कि राज ठाकरे जी का सपोर्ट करें और जब भी विधानसभा चुनाव हो महाराष्ट्र में राज ठाकरे जी का सम्मान करें, उनके सम्मान में, उनके हक में वोट करें। जय श्री राम।